गुड इवनिंग गेज सो ये वाला वीडियो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सोम so भाई मॉल अगर हमें जाना है क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ जानना था मैं आपको शॉर्ट में पूरा बता दूंगा आपको ज़्यादा कुछ वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है एक ही वीडियो आपको पूरा एंड टू एंड नॉलेज दे देगा सो so, सबसे पहला आपके पास पासपोर्ट रहना चाहिए पासपोर्ट में वैलिडिटी मिनिमम सिक्स मंथ से ज़्यादा रहना चाहिए अगर आपके पास वो चीज़ है आपको कुछ भी नहीं करना है बिकॉज मॉलडीवस गिव्स यू फ्री वीज़ा ऑन अराइवल आपको कोई वीज़ा नहीं करना कोई एजेंट के पास नहीं जाना कुछ भी नहीं करना है आप जब भी मॉल डीव्स का सीधा टिकट बुक के आ सकते हो बुक मारो पासपोर्ट रहना चाहिए इंडिया सब सीधा होगा मॉडल एयरपोर्ट में तीन चार दिन, दिन, दिन आते हैं, फिर चले जाते हैं चाहिए, क्या? नहीं चाहिए, आपको ना कोविड टेस्ट करके आना है ना कोविड टेस्ट जाने के टाइम करके जाना है तो कोविड टेस्ट इज नॉट नेसेसरी आपको ओनली वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है थर्ड क्वेश्चन क्या इंश्योरेंस चाहिए इंश्योरेंस नहीं चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस नॉर्मल तो लोगों का वो सब रहता ही है तो वो कोई एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस रहता है ना यूरोप के लिए यू के लिए एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करना पड़ता है तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इंश्योरेंस करने का जरूरत नहीं है सो नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मेकिंग एनी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस थिंग उसके बाद हो गया कितना पैसा लेके आना चाहिए मैं तो कहता हूँ कि आपको कुछ पैसा लेके आने के लिए जरूरत ही नहीं है इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड ऑल ऑफ योर पेमेंट्स लाइक होटल्स हो गया खाना हो गया पीना हो गया ट्रांसफर हो गया अगर सब कुछ ऑलरेडी पे कर दिया हो कार्ड से और कुछ पैसा लेके आने के लिए जरूरत नहीं है बस कार्ड्स लेके आ जाओ अगर आपको फिर भी डर लगे कार्ड कहीं काम करेगा का, नहीं कम करेगा मे बी थाउजेंड डॉलर्स लेके आ सकते हो यहाँ यहां पे, भी एक्सेप्टेड रहता है उसको आप एयरपोर्ट से भी चेंज कर सकते हो बट नॉर्मली आप ओनली सेफ्टी के लिए रख सकते हो थाउजेंड डॉलर्स उससे ज्यादा लेने का कोई हम तो कुछ कैश लेके ही नहीं है हम जो आए हैं हम कितने पांच लोग आए हुए हमारे पास ना एक रुपया कैश है कैश नहीं ओनली कार्ड से एंड कभी भी आपको वीज़ा अराइवल में वीज़ा वाले ऑफिसर्स भी इमिग्रेशन में पूछते नहीं कि कितना कैश लेके आए हो कैश है कि नहीं क्योंकि आर ऑल ऑफ आर मतलब एक्सपेंसिस ऑलरेडी पेड हम सीधा आए एवरीथिंग इज पेड हम सीधा घर कल निकल भी जाएंगे सो इफ इफ आर ऑलरेडी पेड एप्सोलूटी यू डोंट नीड टू कैरी एनी कैश बट थाउजेंड डॉलर सेफ्टी के लिए रख सकते हो जस्ट इन केस अगर कभी कार्ड वार्ड काम नहीं किया आप अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर दिए तो दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी उसके बाद आ गया आप कि आप जब मुझते हो मॉल तो उसमें जाने के देखने के लिए क्या क्या चीज़ है सो मॉलिवस इज़ बेसिकली बंच ऑफ आइलैंड सो माले सिटी जहाँ पे मेन उनका जो एयरपोर्ट है वहाँ वैसे कुछ देखने लायक नहीं है आपको अलग 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 जो उनका आइलैंड है वहाँ जाना चाहिए सो so, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव तो आपको एगोडा हो गया बुकिंग डॉट कॉम हो गया एक्सपीडिया हो गया यहाँ से आके होटल्स वोटल्स देख सकते हो नॉट टॉकिंग अबाउट द होटल्स एंड रिजॉर्ट्स तो अगर आपके पास बजट कम है आप माले सिटी में ही बहुत सारे उनके एजेस में होंगे कुछ कुछ होटल्स रिजॉर्ट्स होंगे वो आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएंगे वहाँ पर रह सकते हो अगर बहुत, बहुत ज्यादा बजट नहीं है अगर आपको डेडिकेटेड एक एक आइलैंड में रहना इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स लाइक ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा इट्स एक्सपेंसिव यस तो आपको अपने बजट के हिसाब से आप जाके एगोडा वैगोडा सर्च कर सकते हो ऐसा नहीं कि सब कुछ एक्सपेंसिव है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है उसमें भी आपको कम पैसा में मिल जा सकता है बट अगर आप पूरा कम बजट है तो नाम माले सिटी में आराम से रह सकते हो माले सिटी में रह के भी बहुत सारा जगह वहीं से आसपास जा सकते हो ऑफकोर्स आइलैंड पर नहीं आ सकते उसके बाद आ गया द फिफ्थ क्वेश्चन इज अगर मालिक सिटी में अगर आप लैंड करते हो वहाँ से अगर आपको होटल दिखा रहे हैं क्लोज टू हंड्रेड किलोमीटर्स वन ट्वेंटी किलोमीटर्स वन फिफ्टी किलोमीटर्स इतना दूर हम कैसे जाएंगे तो पूरा पानी है सो तो यहाँ जाने आने का दो ऑप्शन है एक तो है अपना वाटर का स्पीड बोर्ड जो कि अपना इंडियन ओशन पर उड़ उड़ के उड़ उड़ के उड़ उड़, उड़ के जाएगा जिसका आपने देखा होगा दो तीन ब्लॉक के पीछे वो एक ऑप्शन है एंड और एक ऑप्शन है सी प्लेन आप प्लेन से भी अपने होटल पर जा सकते हो बट इट्स का ना भी वेरी एक्सपेंसिव जो कि रहता है क्लोज टू वही थर्टी फाइव ऐसे भी ये लोग ले, ले लेते हैं एक एक एडल्ट एक एक एडल्ट का खाली होटल मतलब एयरपोर्ट से पहुँच कर होटल जाना ना आपको इंडिया टिकट से ज़्यादा आ जाएगा सो नॉर्मली लोग सी प्लेन प्रीफर नहीं करते लोग फेरी में मतलब जो स्पीड बोर्ड उसी में बट स्पीड बोट इज़ ऑल्सो नॉट चीप स्पीड बोर्ड भी बहुत एक्सपेंसिव है जैसे हमारा होटल जो है दैट इज़ लाइक मे बी ट्वेंटी मिनट्स फ्रॉम माले सिटी एंड यहाँ पे अपने को कितना लगा था आई थिंक फॉर फाइव पीपल वी हैड पेड समवेयर क्लोज टू स्पीड बोर्ड का हमने पे किया था एट क्लोज टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऐसे कुछ हमने पाँच लोग का मतलब पंद्रह हजार रुपये हमें एक का लगा था ओनली मतलब राउंड ट्रिप मतलब स्पीड बोट हमें लेके आएगा फिर लेके कल हमें लेके जाएगा जब हम इंडिया जाएंगे एयरपोर्ट हमें लेके जाएगा स्पीड बोट इज आल्सो एक्सपेंसिव बट सी प्लेन एट द सेम टाइम इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए एंड इफ यू हैव द मनी देन सी प्लेन मेक्स मोर सेंस अब जो दूर दूर होटल्स रहते हैं उन पे क्या होता है कि सी प्लेन जाती है क्लोज टू 120 ट्वेंटी किलोमीटर वो फिर एक जगह में उतर के वहाँ से फिर आपका स्पीड बोर्ड लेके जाता है सो so, वो भी अगेन एन एडेड एक्सपेंडिचर तो आप देख सकते हो आप जब भी एगोडा वेगोडा में होटल होटल्स देखोगे मॉलिव उस में उसमें क्या होगा कि कुछ कुछ आइलैंड्स वाले होटल्स आपको थोड़े कम पैसा दिखेंगे मतलब कुछ दिखेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंडेंसटीन थाउजेंड पर नाइट तो आपको लगेगा रही ये तो मस्त है एट द सेम टाइम दूसरे तो उससे गंदा दिख रहे हैं ये कितना ज्यादा है तो उसका सिस्टम ऐसा है कि जो कि माले सिटी से पास है दैट्स गोइंग टू वेरी एक्सपेंसिव जो कि थोड़े दूर है दैट्स गोइंग टू बिट चीपर तो आपको देखना है कि आप कभी भी कोई होटल बुक करते हो डेक्टली बुक मत कर दो आप क्या करो वो होटल्स जो होंगे उनके वेबसाइट में जाके डायरेक्टली उन्हें कॉन्टैक्ट करो उनसे कोट ले लो कि हम इतना दिन रहना चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शन है एंड आप ट्रांसफर का कितना पैसा लोगे सी प्लेन हो या फिर फिर अपना स्पीड बोट हो आप कितना पैसा लोगे उनसे पूरा डिटेल्स ले लो उसके बाद जाके या तो आप उनसे बुकिंग करो नहीं तो एगोडा से भी डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो दैट इज फॉर द होटल्स एंड रिजॉर्ट्स आपको कहीं रहना होगा तो एंड द थर्ड थिंग इज फ्लाइट्स इंडिया से फ्लाइट्स बहुत जगह दिल्ली से हम लोग दिल्ली से आते हैं दिल्ली से चलता है बॉम्बे से चलता है बैंगलोर से चलता है कोचिन से चलता है चेन्नई से चलता है सारी जगह से चलते हैं नॉर्मली आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर द बैंगलोर वाला राउट क्योंकि बैंगलोर वाला राउटों को कम टाइम लगता है हमने लास्ट बार बैंगलोर वाले राउट से इस बार दिल्ली वाले राउट से तो बहुत लंबा टाइम लग गया बैंगलोर वे राउट्स इज प्रिफरेबल उसके बाद आ गया यहाँ क्या इंडियन फूड खाने के लिए मिलता है कि नहीं नहीं मिलता है बट जो भी मिलता है इंडियन सेफ कुछ कुछ रहते हैं बट जो भी मिलता है मतलब काम चला सकते हो मतलब मेरे के लिए तो पूरा एक्टली इंडियन फूड देसी वाला इंडियन फूड चाहिए बट दूसरों के लिए इट शुड भी कम्प्लीटली फाइन मोस्टली इट्स अबाउट कॉन्टिनेंटल फूड बट इंडियन फूड भी जो भी मिलता है वो अच्छा रहता है ऐसा नहीं कि पूरा बुरा रहता है अच्छा रहता है आप खा सकते हो एंड द थिंग इज प्रो टिप इज़ आप कभी भी कोई भी रिजॉर्ट रिजोर्ट लेते हो उनका ऑल इन वाला पैकेज ले लो डिनर होगा आपका होगा ब्रेकफास्ट भी होगा लंच भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए बट नॉर्मली हम लंच नहीं लेते हम क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट में दबा के खा देते हैं लंच को स्किप करते हैं सीधा जाके डिनर खाते हैं सात बजे तो ईजी मतलब दो मील हो गया एक दिन में तो मोर देन इनफ आप ऑल इन ले सकते हो क्योंकि यहां प्रॉब्लम है कि जब आप कोई भी आइलैंड में रहते हो वहां कहीं जा नहीं सकते द आइलैंड इज द ओनली थिंग वेरी वेर गोइंग टू स्टे आप उसी के अंदर रहोगे वहीं के बस ब्रेकफास्ट जोन पर जाओगे वही आइलैंड घूमोगे पानी के अंदर जाओगे आपको और अलग एक जगह को जा नहीं सकते बिकॉज दिस इज मोर लेक वैकेशन वाला स्पॉट आपको एक ही जगह में रहना पड़ेगा तो बेस्ट इज टू गो फॉर द ऑल इन वाला पैकेज जहाँ आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सारा मिलता होगा दारू वारू भी जो पीने वाले हैं उनको भी अनलिमिटेड मिल जाता है तो आप वो पैकेज ले सकते हो उसके बाद आ गया कि पर नाइट का कैसा क्या चार्जेस रहता है अगर आप दूर दूर वाला आइलैंड्स में तो जैसे हम लोग यहाँ जो है हमारा यहाँ आ रहा है क्लोज टू पर नाइट का आ रहा है समवेयर अराउंड थर्टी टू थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड ऐसा कुछ आ रहा है पर नाइट का फॉर ईच रूम बट ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन भी मिल जाएंगे मतलब मोर क्लोजर टू द माले आपको कम में मिलेंगे और जो छोटे और भी छोटे आइलैंड्स होंगे वो भी थोड़े कम में मिलेंगे मे बी समवेयर अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड बट अगर इतना ज़्यादा बजट नहीं है बेस्ट इज टू गो फॉर सम होटल्स और रिजॉर्ट्स विच आर नियर टू मतलब जो मालिक की सिटी के अंदर ही है मतलब उन्हीं के अंदर है आपको कोई पानी में जाने का जरूरत नहीं है एडजेस में ही होंगे वहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे माले सिटी में भी मतलब मे भी लगता है तीन दो या तीन हज़ार पर नाइट वाला ऑप्शन भी है आराम से लोग आ रह सकते हैं बट ये है कि जो आईलैंड वाला जो एक्सपीरियंस वो नहीं आप ले सकते हो तो होटल्स हो गया फ्लाइट्स हो गया खाना हो गया कोविड वोविड नहीं चाहिए वीज़ा वीजन अराइवल है इंश्योरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है इट्स वेरी सिंपल आपको से यूज करना ही नहीं है हम लोग तो कुछ प्लान किए नहीं थे हम लोग सीधा दुबई से आए हमने प्लान किया कि हमें चलना है बस हमने निकल हम निकल के आ गए टिकट का अपना बुक किया सीधा अपन आए वीज़ा न रेवल लिए आ गए अपने होटल पे तो वेरी इजी यू डोंट हैव टू गो और फॉर एनी वीज़ा प्रोसेस लॉन्ग वाला वीज़ा प्रोसेस फॉर्म फिलिंग ये वो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है पूरा ईजी है आपको ऑनली ये करना है आपका एयर टिकट्स लेना है एंड होटल का जो बुकिंग वाला वाउचर होटल वाले से मांग लेना है उसके बाद जाके अपना एयर टिकट को लो होटल को लो सीधा आ जाओ एयरपोर्ट एयरपोर्ट से आ जाओ अपना वीज़ा न रेवल लो होटल पर पहुँच जाओ काम खत्म करके बाइक टू होम और कुछ भी नहीं करना है बिकॉज विजन अवेबल है मतलब कुछ सोचने का नहीं है पासपोर्ट है एंड पासपोर्ट में सिक्स मंथ्स का वैलिडिटी है मतलब यू आर गुड टू गो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स एंजॉय यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स